श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी जी, मंच पर आसीन विद्वतगण, आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मनुष्य स्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृतीय क्षमा दमो अस्तियम शौच इंद्रिय निग्रम धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के ये लक्षण है, यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण नहीं है तो वह धार्मिक नहीं है। अब मैं धर्म के 10 लक्षणों में से पहले लक्षण के विषय में बताने जा रहा हूँ। वैसे भी परमात्मा को पाने के लिए धैर्य होना अति आवश्यक है सुंदरता जी। धैर्यशाली किसको कहते हैं? सूरज उगता है तो लाल रंग का, डूबता है तो लाल रंग का, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि उगते समय किसी और रंग का, डूबते समय किसी और रंग का होता है सुंदर सा जी। इसको कहते हैं धैर्य। समय क्षेत्र च मित्र च तथा मान पैमान्य, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, सब में एक जो समाप्त भाव को लिए रहता है वह धैर्यशाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा गया कि कल आपका रात तिलक किया जाएगा, परंतु सवेरा होने से पहले ही आदेश दे दिया गया कि आपका रात तिलक तो नहीं होगा, आपको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। जब राज सिंहासन देने की बात कही गई थी तो राम का चेहरा खिलखिलाया नहीं था, और जब वन जाने की बात कही गई थी तो उनके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं था। इसको कहते हैं धैर्य। सुंदर सा धैर्य को और स्पष्ट से एक कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। महात्मा बुद्ध जी को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हुआ तो बुद्ध जी आए और बिना भाषण दिए चले गए। दूसरे दिन आए तो फिर इधर उधर देखें और बिना बोले चले गए। तीसरे दिन आए तो मंडप में सिर्फ 40 लोग ही बचे थे। फिर महात्मा बुद्ध जी इधर उधर देखें और बिना बोले चले गए। तब चौथे दिन आए महात्मा बुद्ध जी, सिर्फ 14 लोग ही बचे थे। तब महात्मा बुद्ध जी भाषण दिए और उनके साथ हो चले। तब 14 लोग में से एक के मन में विचार आया कि आप 4 दिन मंडप में आते थे और चुपचाप चले जाते थे। तब महात्मा बुद्ध जी ने बोले कि हमें भीड़ लगाने वाले नहीं चाहिए, यहाँ वही टिकेगा जिनमें धैर्य है। जिनमें धैर्य था वह सच्चे राह पर चल पड़े सुंदरता जी। और धार्मिक बनना है हमें तो हम धैर्य रखना होगा अवश्य सुंदरता जी, तभी हम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरता जी, श्री जी जब जूनागढ़ में हरजी ब्यास जी के पास गए थे तो 2 महीने लगातार धैर्य पूर्वक भागवत सुनते हैं, और जब 84 लाख योजन हीरे की महल की बात आती है तो वहाँ समझने के लिए पकड़ लेते हैं कि कृपया करके बताइए ये महल कहाँ पे है और किसका है। तब हरजी ब्यास जी सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। कभी कहते हैं कि आदि नारायण का है तो कभी कहते हैं अक्षर ब्रह्म का है। सुंदर सा जी, श्री जी ये सब जानते हुए भी 2 महीने लगातार धैर्य पूर्वक भागवत सुनते हैं, और समय आने पर हरजी ब्यास जी श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। यदि हमें भी राज्य को प्राप्त करना है तो धैर्य अवश्य रखना होगा सुंदर सा जी। जब हमें हम धैर्य नहीं रखते हैं तो हम अपना धैर्य खो देते हैं। कहते हैं कि चलो
तारतम का मंत्र कर लेते हैं या मेहर सागर का पाठ कर लेते हैं। जैसे स्वामी जी सुबह बोले थे कि जब सुंदर साथ जी जब मेहर सागर का पाठ कर लेते हैं तो बोलते हैं कि हम परमधाम पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं सुंदर साथ जी, हमारे चित पर लाखों जन्मों से बुरे संस्कार चढ़े हैं, इसको मिटाने के लिए हमें धैर्य अवश्य रखना होगा, तभी हम राज्य का छक्षकार दर्शन कर सकते हैं। धैर्य अवश्य रखना होगा सुंदर साथ जी। हम अपने वाणी को विराम करते हैं।